क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे एन और पी ये दो लाइंस पैरेलल है और एल और एम भी पैरेलल है और हमें सिर्फ उन्होंने ये एंगल दिए 45, ठीक है। और अभी हम लोग को एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी निकालना है। तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये 45 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हो गया 45, करेक्ट, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, 45 हो गया। तो ए एंगल ए कितना आएगा, 180 माइनस 45, तो ए एंगल मिलेगा क्योंकि लिनियर पेयर हो जाएगा, हाँ, तो कितना आता है 135, ठीक है। अभी ए 135 है तो ए बी कितना आएगा, 135 आएगा ना, क्यों, अपोजिट एंगल, और ये अपोजिट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। अभी यहाँ पे ए सी और ये बी वापस करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये 135 है तो सी कितना आएगा, 135, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4, 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, अभी ये सब अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें प्रूव करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये एक्स वाई जेड और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। अभी कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग देख ही रहे पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का थ्योरम ही लेना पड़ेगा, तो अभी हम लोग को प्रूव करना है, वाली में रखते हैं। अभी इसमें आपको दिख रहा है वाई जेड और क्यू आर पैरेलल है, लिख देते हैं वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर, दिख रहे हैं ना। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये जो लाइन है लंबा कर रही है, तो फिर क्या हुआ, ट्रांसवर्सल क्या हुआ, ट्रांसवर्सल एक्स वाई जो यहाँ पे एम वाई बोलते हैं समझो। तो अभी क्या हुआ, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, बराबर है। तो एक्स वाई जेड ए एंगल और ए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम होगा, हाँ, तो हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, समझ में आपको। ये ट्रांसवर्सल हम लोग ने दूर लंबा कर दिया, इधर ज्वाइनिंग पॉइंट को एम नाम दिया। अभी ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसके लिए ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, सेम हुआ। कौन सा नाम देते हैं, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर, ठीक है, एक्स एम आर भी लिख सकते हैं या वाई एम आर लिखते, चलो वाई एम आर। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया। अभी ये वाई एक्स और पी क्यू पैरेलल है, वाई एक्स पैरेलल टू पी क्यू, और ट्रांसवर्सल इसका ट्रांसवर्सल क्यू आर है। आप ए एंगल से देखो, ये दो लाइन और ए ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, ए एंगल और एंगल सेम होगा, है ना। तो देखो ट्रांसवर्सल क्यू आर, दो लाइंस ये पैरेलल, तो क्या होगा, ए एंगल और ए एंगल सेम होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, करेक्ट है। कौन सा एंगल, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर, रिजल्ट वही रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल था तभी ये और ये सेम था, अभी ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये और ये सेम है, रिजल्ट वही है। तो अभी क्या होगा, एक्स वाई जेड वाई एम आर, पी क्यू आर वाई एम आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सेम है क्योंकि वाई एम आर उतना ही एक्स वाई जेड है, वाई एम आर उतना ही पी क्यू आर है ना। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ये हम लोग को प्रूव करना था कि नहीं,